नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। महगांव थाना महगांव अंतर्गत मौजा खेरिया तोर में पदस्थ पटवारी संजय पावक के विरुद्ध ग्राम खेरिया निवासी महिला द्वारा बलात्कार, जान से मारने की धमकी तथा कमरे में बंद कर परेशान करने का मुकदमा दर्ज किए जाने हेतु महिला पुलिस थाना जिला भिंड में आवेदन दिया गया था, लेकिन अधिकारियों एवं नेताओं के दबाव के चलते पटवारी पर ना तो केस दर्ज किया जा रहा था, ना ही विभागीय अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जा रही थी। उक्त घटना जब खबर समय जगत के संज्ञान में आई तो हमारे द्वारा इस खबर को प्रमुखता से प्रसारित कर पीड़ित महिला की आत्मदाह की चेतावनी को भी दिखाया, जिसके चलते पटवारी पर अब भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 342, 354 का 354 एवं 506 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया। संजय पावक जो पटवारी है, क्या मामला है? संजय पावक के पास में मैं अपने जिला खेरिया तौर में एक मकान है, मैं इसका नामांकन करवाने के लिए गई थी तो उसने मेरे से 80,000 रुपए की मांग की थी, जो मैंने उसको मना किया था कि मेरे पास 80,000 रुपए देने की हैसियत नहीं है मेरी। तो उसने कहा कि 80,000 रुपए देने की हैसियत नहीं है तो आपके मकान का नामांकन नहीं हो सकता। तो मैंने कहा सर देख लो, कुछ थोड़ा बहुत हो जाए। तो उसके बाद में उसने मेरे से कहा ठीक है, मैं ऊपर कुछ लोगों से पूछताछ के उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो मैं अपने पति के साथ में गई थी, फिर वहां से मैं वापस आ गई। उसके ठीक 15 दिन बाद उसका फोन आया, कहने लगा कि आपका नामांतर हो गया कि नहीं। तो मैंने कहा नहीं, अभी नामांतर तो नहीं हुआ, मैंने कि आपने की ही नहीं है तो वो कहां से जाएगा। उसके बाद में उसने बोला एक काम करो, आप ना रविवार को आ जाना तो अपने ओरिजिनल कागज लेके आना, तो मैं आपका ज्यादातर नहीं तो 50,000 तक में तो कर दोगे क्या? नहीं। तो मैंने उसको मना किया, मैंने कि भाई साहब मैं 50,000 भी नहीं दे सकती। तो उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप अपने ओरिजिनल कागज लेके आ जाना। मैं रविवार को ओरिजिनल कागज लेके अपने पति के साथ में वहां गई थी। जब मैं ओरिजिनल कागज लेके वहां पे गई तो उन्होंने कहा कि कागज दिखाओ, मैंने कागज दिखाया उसको। कागज दिखाने के बाद वो बोला मेरे से ठीक है कागज सही है, मैं देखता हूँ और पैसे ऐसे वगैरह कुछ करोगी कि नहीं। मैंने कि नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। तो कहने लगा अच्छा तो फिर मैं जो बोलूँ वो काम करोगे? मैंने कि क्या कि ये तो खुद जानते हो, तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा नामांकन कर दूंगा। मैंने कहा भाई साहब मैं समझ नहीं, आप दोबारा से बोलो। तो कहने लगे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप मैं कागज देख रहा हूँ, आप मुझे बैठ जाओ बैठ जाओ। जब मैं वहाँ पे अकेली गई जितने की मेरे को ओरिजिनल कागज लेकर बुलाया था, तो उसने मेरे साथ में जबरदस्ती करके गेट बंद करके शारीरिक शोषण किया मेरा। आपके साथ बलात्कार किया था क्या? हाँ, उसने मेरा शारीरिक शोषण किया। जब मैं उसको बोला मैंने कि ये क्या, तो उसने मेरे को बोला कि अगर इसके बारे में अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हारा नामांतर भी नहीं करूंगा और तुम्हें जान से मार दूंगा, और मैंने तुम्हारा वीडियो बना लिया तो वो मैं वायरल कर दूंगा जिससे तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। तो आपने जब पहले ये शोषण किया गया था तब आपने आवेदन क्यों नहीं दिया था थाने में? सर उसने मुझे धमकी दी थी कि मैं तुम्हारा वीडियो बना लिया तो मैं वीडियो वायरल कर दूंगा और तुम्हारे पूरे परिवार को पता चल जाएगा। ये कितने तारीख की घटना है? ये 11 तारीख की घटना है, रविवार को। आपने कहीं आवेदन दिया था पहले? नहीं, पहले मैंने कहीं नहीं दिया। अभी कहाँ आवेदन दे रहे हैं? अभी मैंने महिला थाने में आवेदन दिया था 21 तारीख को, जो मुझे उसने दोबारा बुलाया था। क्या हुआ उस आवेदन का? क्या हुआ उस आवेदन का? कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। अब क्या चाहते हैं आप? मैं उस पर केस चाहती हूँ। कैसा केस? मैं उस पर बलात्कार का केस लगवाना चाहती हूँ। आपके साथ में जो जाती हुई है उसका न्याय चाहिए आपको। खबर समय जगत के लिए महगांव से जितेंद्र दंडोतिया की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।